अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि उनकी कौन कौन सी मांगे हैं, आपकी क्या क्या मांगे हैं। जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, ऐसे ही सरपंच अपनी पंचायत का मुख्यमंत्री होता है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेगी, किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी मंत्री विधायक को नहीं घुसने देंगे। ये हमारी पूरी यूनियन ने तय करके रखा है। कोई भी पंचायत मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में किसी भी मंत्री को और विधायक को नहीं घुसने देंगे हम लोग, जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी। आप रोजगार राज्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? वो मंत्री जी ने ये कहा था गाँव में गौशाला अगर नहीं है, गाय अगर रोड पर मिलती है तो सरपंचों के खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी। सरपंच क्या कर दे, सरपंच के पास गौशाला नहीं है, सरपंच के पास कि हमारी समस्त जो ट्राइबल क्षेत्र की बहनें हैं, जो हमारी 50% बहनों को जो है सरपंच बनने का अधिकार दिया हुआ है, 50% आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन उन बहनों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर उनको कहीं जाना होता है तो वो अपने पति पे, देवर पे, जेठ पे, अपने परिवार के किसी सदस्य पे आश्रित होती है या किसी ऐसे व्यक्ति पे आश्रित होती है जो मोटरसाइकिल चलाए, कार चलाए, उनको लेके जाए। हमारे बालाघाट जिलों की ओर से सबसे पहली मांगे रखी गई कि समस्त सरपंच बहनों को और भाइयों को जो ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं विशेष करके, या ऐसे जो जिनके पास में आर्थिक स्थितियाँ कमजोर है, उनको 5वें वित्त आयोग की राशि से एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए और 1 लीटर प्रतिदिन पेट्रोल भरवाने की अनुमति गवर्नमेंट के द्वारा दी जाए। दूसरा, जिस तरीके से राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का बीमा करती है, 1 करोड़ रुपए का बीमा करती है, उसी तरीके से सरपंच का बीमा भी 2 करोड़ रुपए का राज्य सरकार के द्वारा किया जाए, जो कि केवल दुर्घटना ही नहीं सामान्य बीमा के तौर पे हो। पहले तो आप अपनी मांगों को लेकर बताइए। हमारी मांग जो 1 जुलाई को एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें मनरेगा पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। इससे जो मनरेगा जो बनाई गई थी कि गाँव के मजदूरों को रोजगार मिल सके और कुछ अधोर संरचना का निर्माण हो गए, और उसमें कुछ ऐसे काम भी थे जो आजीविका से भी जुड़े थे, सभी काम जब बंद कर दिए। और उसमें उससे पहले इन्होंने नोटिफिकेशन किया कि 20 काम से ज़्यादा नहीं देंगे। धीरे धीरे ये बंद करने की कगार पे हैं। इसलिए आज जो है ग्राम सरकार बड़ी सरकार के पास न्याय मांगने आई थी। अब क्या मांग, इसी क्रम में उन्होंने 15 वित्त की राशि में भी हमको कोई अधिकार नहीं छोड़े। हमको 5वें वित्त की जो राशि दी जाती है उसमें से 2 रुपये हम किसी को मदद नहीं कर सकते हैं, जेब से ही सरपंच को करना पड़ेगा। इस तरीके से जो शोषण हो रहा है सरपंचों का, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज ये सब लोग इकट्ठे हुए पूरे प्रदेश के सरपंच, और इसकी समस्याओं के लिए आज हम जो है CM साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं, और समस्याओं का समाधान के लिए, यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तब तक हम धरने पर बैठेंगे जब तक समस्या का हमें समाधान नहीं होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि सरपंच संघ की अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं। मैं उज्ज्वल राय, कैमरा पर्सन मोहम्मद असाफ के साथ। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बर्सल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।